हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप अपने स्किन का ख्याल रख रहे होंगे। सो अभी गर्मी इतना ज़्यादा हो रखा है, धूप अभी भी हो रहा है इतना ज़्यादा कि फेस बहुत टैन हो गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे डी टैन करते हैं। तो बहुत रिसर्च करने के बाद अच्छा रिव्यू में की रेंज में मुझे मिला बेला वीटा ऑर्गेनिक न्यू एज आयुर्वेदा डी टैन फेस पैक। सो ये जो फेस पैक है ये रिमूव करता है टैन जो कि आपको धूप से हो जाता है। इतना गर्मी है, धूप है, आप जितना भी सनस्क्रीन लगा लो ना टैनिंग पड़ जाता है। वो आपको सनस्क्रीन यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है आपको, बट टैनिंग आपको हो ही जाता है। सो इसमें ना ये डी टैनिंग करता है आपका, ब्राइटन करता है, इवन स्किन टोन करता है, ऐसा ये क्लेम करता है। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मेरा कोई भी वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं होता है। जो मैं यूज़ करती हूँ, जो मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, मैं वही सब आपके साथ ये शेयर करती हूँ। तो ये फेस पैक के साथ ना आपको मिल जाता है ब्रश, ये देख रहे हो ब्रश, ये फेस पैक ब्रश है और ये आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ये ना कंटेनर में पैकेजिंग जो है इसका, ये बहुत अच्छा पैकेजिंग लगा मुझे, क्योंकि ग्लास बॉटल में अगर ये आता ना तो मुझे तो अब प्रॉब्लमेटिक लगता है ये। सो अभी जस्ट मैं इसे अनपैक की हूँ क्योंकि ये फर्स्ट जो है अभी जस्ट ट्राई कर रही हूँ मैं, इसके पहले मैंने ट्राई नहीं किया था। तो इसके लिए ना पहले आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना होगा, हल्का सा पैड ड्राई कर लेना होगा और फिर ये फेस पैक लगाना है। सो आप देख सकते हो इसका कंसिस्टेंसी जो है ना थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी है। तो ये आप आराम से धीरे धीरे टाइम लेकर लगाना, और ये ना आपको 10 से 15 मिनट तक रखना पड़ता है फेस में, उसके बाद वॉश करना पड़ता है। और ये 2 से 3 बार आपको वीक में यूज़ करना होगा अच्छे रिजल्ट के लिए। सो मुझे तो ये फेस जो फेस पैक है ये अच्छा लगा। और इसमें ना आपको बता देते हैं क्या क्या है इसमें, इसके लिखा हुआ है यहाँ पर बॉक्स में। सो ये डीपली क्लीन करता है इम्प्योरिटीज़ को, डर्ट को डी टैन करता है। ये सैंडलवुड है, इसमें टर्मरिक है, मुल्तानी मिट्टी है, पोमीग्रेनेट है, जो कि आपकी स्किन को रेडिएंट बनाता है, क्लियर बनाता है, अच्छे से क्लीन करता है, यूथफुल बनाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं पोमीग्रेनेट जो है वो हमारे स्किन में एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है ये। तो आपके स्किन को फ्री रेडिकल और हाइड्रेट करता है, ये स्मूदर करता है, यंगर बनाता है, फर्म स्किन करता है। सैंडलवुड जो है ये आपके सन बर्न को ठीक करता है, जो भी हार्मफुल रेस से कॉज करता है डैमेज उसे ठीक करता है। मुल्तानी मिट्टी और क्योलिन क्ले ये आपके स्किन को नेचुरली एक्सफोलिएट करता है, ये नेचुरल एक्सफोलिएटर है। सो ये जो भी एक्सेस ऑयल वगैरह है आपके फेस में और जो इम्प्योरिटीज़ है उसे ठीक करता है, डार्क स्पॉट्स रिमूव करता है, टैनिंग पिगमेंटेशंस और आपके स्किन को ब्राइटर करता है, ये हाइड्रेटेड रखता है, स्मूदर कम्प्लेक्शन रखता है। सो मुझे ऑल इन ऑल ये प्रोडक्ट तो अच्छा लगा क्योंकि इसमें बहुत सारा नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स है। इसमें ना स्मेल जो है आपको लिखा है यहाँ पर कि ये फ्री फ्रेगनेंस है, बट इसमें जो नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स है आपको उसका फ्रेगनेंस आएगा। ये आप देख सकते हो, मैंने अभी अपने फेस को वाइप करना स्टार्ट किया है, जो भी मास्क लगाया था। सो ये मास्क जो है ये लगाने के बाद आप पता नहीं कैमरा में देख पा रहे हो कि नहीं, बट इन रियल मुझे हल्का सा तो ये लगा कि मेरे स्किन में ये काम किया, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम लगाई थी। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि ये लगाते ही मेरा फेस का सारा जो टैन है वो रिमूव हो गया, बट हाँ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे काम करेगा, क्योंकि ऐसा तो कुछ मिरेकल नहीं है ना कि आपको तुरंत लगाओ और तुरंत फटाक से ब्राइटर हो जाएगा फेस। तो मुझे ये थोड़ा सा अच्छा लगा, नेक में मेरा थोड़ा टैन हो रखा था तो वो मुझे लगा कि हाँ वहाँ काम किया है। सो ये रहा मेरा इस प्रोडक्ट के साथ का जो था रिव्यू वो, और ये आपको मिल जाता है 399 रुपीज़ में। और आप ज़रूर ट्राई करना अगर आपको डिटैन करना है। अगर मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।